ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड इवनिंग। आपके घर में किसी के प्रति नेगेटिव ज्यादा बोलने का संस्कार सबके पास है, पॉजिटिव संस्कार भी ज्यादा होता है। एक बार सोचो, अगर आपका बच्चा पहले कोई भी मार्क्स रिपोर्ट में अच्छा मार्क्स नहीं लेके आया, तो पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्यों ऐसे नहीं किया? तो आपने पहले पूछते, अच्छा आपका फ्रेंड वो है ना एक्स वाई जेड, इसका मार्क्स क्या है? तो वो बोलता है मम्मी मेरे से भी थोड़ा कम है। ओके देन नो प्रॉब्लम, क्या यार कंपेयरिंग नेचर, बच्चों को कैपेसिटी को देखना है, हम बच्चों को कैपेसिटी बढ़ाने का काम करना है। ये नहीं कि बच्चों में जो ऑलरेडी डाउन कैपेसिटी है उसको डाउन नहीं करना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक ही का बच्चा रोज क्या करता है, एक दिन पेंसिल लेके आता है, एक दिन इरेजर लेके आता है, एक दिन स्कूल में किसी का कुछ ना कुछ ज्योमेट्री बॉक्स लेके आता है। उस बच्चे को उस वक्त ही थोड़ा संस्कार चेंज करना नहीं करते। वो कहता है मम्मी मेरे आ रहा है, अच्छा इट्स ओके। उसके दिमाग में बैठ जाते हैं दूसरों का चीज ऐसे ले आ जाने से कुछ नहीं। वैसे बड़े होता है उसका पूरा मन बुद्धि इस पर चले जाता है दूसरों का चीज को अपना बनाने का। ये संस्कार कहां से क्रिएट हुआ, कहां से आया? उसी समय हमने संस्कार नहीं दिया, क्योंकि हमने क्या समझा, बच्चा समझ लिया। देखिए हर एक व्यक्ति में, इंसान में कई प्रकार का संस्कार होता है, पांच प्रकार का संस्कार। आज मैं आपको समझाता हूं ताकि आपके जीवन में वो संस्कार को परिवर्तन कर आपके घर को बहुत खुशी शांति से भर दीजिए। हर एक इंसान को पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं रखना है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आपको अपने बच्चों के लिए पैसा कमाना अच्छा है या बच्चों को ही इस समाज के लिए एक बड़ा इंसान बनना देखना अच्छा समझते हैं? क्या समझते हैं? जो समझते हैं हम हमारे बच्चों के लिए बहुत कमा के रखे वो हम नहीं। जो समझते हैं इस समाज के लिए हमारे बच्चे एक बहुत अच्छे इंसान बने वो हम नहीं। सबका भी आशय ही होता है, एवरीवन डिजायर इज व्हाट, उनका बच्चे बहुत अच्छे बने। तो अच्छे बनना है तो बच्चों को वो एजुकेशन कहाँ मिलता है? हम क्या समझते हैं स्कूल में मिलता है? स्कूल में क्या एजुकेशन मिलता है बोले, जो आपको जॉब या नौकरी या अपने पेट पोषण के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन मिलता है। लेकिन उनको कहाँ दी स्वयं पर परिवर्तन होना या अपने मन को संस्कार को परिवर्तन करना वो एजुकेशन नहीं मिलता है। इसीलिए क्या कहते हैं, पहले कहता है गुरु कहां से होता है, माँ के पेट से ही उसका विद्यालय आरंभ होता है। दूसरा कहां होता है, घर। इसलिए कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, घर पहला विद्यालय। लेकिन वो घर में बच्चों को क्या मिलना है, संस्कार।